देखो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए और बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम टाइम में आपको सिखाने के लिए ऐसे और वीडियो चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। कहते हैं चैप्टर बहुत खतरनाक है, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितने मैं चीज़ें सिखाऊंगा, सिर्फ उतना ही करके जाना, और सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी इस बात की, ठीक है। अपना केमिकल बॉन्डिंग हम समझेंगे बहुत बेसिक से, जीरो टू हीरो वाला काम होगा, ठीक है। फटाफट सब बैठ जाओ और सुनते रहना मेरे को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कहते हैं किसको है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला टॉपिक होना चाहिए भाई केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी दो स्पीसीज को, किसी भी दो एटम को, किसी भी दो पार्टिकल को जोड़ के रखे, उसको बोलते हैं हमें केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ऐसा कोई भी अट्रैक्शन जो जोड़े चीजों को, उसको बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? जैसे कि मैंने बोला Na और Cl को जोड़ के कौन रखता है, प्लस माइनस, तो ये होगा केमिकल बॉन्ड। क्या होगा ये, पता नहीं बात। वैसे जैसे आपसे आपकी मम्मी, आपसे और आपकी मम्मी को क्या जोड़ता है, प्यार। तो प्यार भी एक तरह से क्या है, केमिकल बॉन्ड। दो चीजों को जोड़ के रखने वाली चीज क्या होती है, केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स, यानी बांधना। क्या मतलब होता है इसका, बांधना, बांधता है दो स्पीसीज को। स्पीसीज मतलब कुछ भी, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी, दो एटम को, दो मॉलिक्यूल को, ऐसी चीज जो बांध के रखे, उसको बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अब ध्यान रखना, दो तरह का फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड, और रिपल्सिव है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आता है? तो वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या होनी चाहिए फोर्स की कंडीशन की केमिकल बॉन्ड बने, क्या होनी चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बड़ा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बड़ा हुआ फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तब केमिकल बॉन्ड बनेगा, और ना केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ गया? पक्का पक्का? तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते। तो चलो इस चैप्टर को बढ़िया से सीखने से पहले ना कुछ बचपन के दिन याद करते। देखो बचपन का दिन क्या था, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते, पहले दो फिर आठ फिर आठ, ऐसे भरते ना इलेक्ट्रॉन को, 288 भरते, ठीक है। और ये आपने याद किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फिर आगे क्लोरीन, फिर आगे करके ऐसे करके आर्गन, फिर पोटेशियम, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो आपको जनरली ये याद होने चाहिए। हम देखो बोलेंगे ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, चौथे पर, ये दसवें पर, ये सोलहवें पे, तो मैंने ऐसे लाइन से लिख लिया। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बार बार हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे आखिर में होता है, सबसे पीछे होता है इधर। तो हमने कहा देखो इसके पास तो होता ही एक है, यहाँ पर एक लिखा है तो एक ही भर सकते हैं। इसके पास दो होता है तो दो भर दिया हमने। इसके पास तीन होता है, तीन का मतलब क्या है, दो के बाद अगला क्या आएगा, एक, दो के बाद एक, क्योंकि भर क्या सकते हैं, सबसे ज़्यादा दो, फिर आठ, फिर आठ। चलो इसमें देखो, इसमें बेरिलियम में देखो चार है, चार, चार का मतलब हो गया दो, दो, पाँच का मतलब दो के बाद तीन, मतलब पहली लाइन तो दो की रहेगी जिसमें पॉसिबल, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं था, इसमें तो एक ही होता ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का आठ होता है, क्या होता है, तो पहले दो और लास्ट में कितना आएगा, छः, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, छः। तो वैसे मैंने बोला तेरह, तेरह का मतलब क्या हो गया, टू भरा, फिर आठ भरा, फिर आगे भरना है हमें, तो तीन बचा सिर्फ भरने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें, यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, वैलेंस, वैसे ये सारे क्या है, वैलेंस, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना यहाँ पर खास बात क्या है, इसको देखो नियोन को, अगर आप नियोन को देखते हो इसका होता है दस, क्या होता है, नियोन का होता है दस, और इसका होता है टू और एट, टू और एट। अब ध्यान रखना जिसके लास्ट में भी एट होता है ना, उसको बोलते हैं नोबल गैस, क्या बोलते हैं, नोबल गैस। और ध्यान रखना नोबल गैस बहुत स्टेबल होता है, क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, ये बहुत स्टेबल होता है। तो मुझे बताओ धरती पर जो भी प्राणी है, जो भी जीव जंतु है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, यानी दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो हर कोई क्या चाहेगा कि उसके लास्ट में एट आ जाए, कितना आ जाए, तो ये भी एट चाहता है, ये भी एट चाहता है, ये भी एट चाहता है, ये भी एट। दुनिया का हर बंदा अपने लास्ट में क्या चाहेगा, एट। हर बंदा नोबल गैस बनना चाहता है, हर बंदा एट लास्ट में पाना चाहता है, हर बंदा लास्ट में एट पाना चाहता है। तो लुईस ने वहीं से अपना कॉन्सेप्ट दिया, लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, टू कंप्लीट ऑक्टेट। लुईस ने बोला भाई देखो हर बंदे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आठ कंप्लीट करना है, स्टेबल होना है, क्या होना है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, वो तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को नाम देंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और उसने बोला कि कई बार ऐसा हो सकता है कि शेयरिंग ना हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, ट्रांस। देखो बॉन्ड बनने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक तो तरीका हो गया कि आपने उसको शेयर किया, आपस में ऐसी बॉन्डिंग हो गई, एक क्या हुआ ऐसा रिश्ता जिसमें वो सिर्फ दे रहा है,
जैसे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो हो गया कैसा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हो गया। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमें मिले, बस हमें मिले, उनको कोई उम्मीद नहीं हम दे या ना दे, तो एक तरह से आयोनिक बॉन्ड हो गया, एक रिश्ता है आयोनिक वाला। लेकिन जो आजकल ट्रेंडिंग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड म्यूचुअल, कि ठीक है मैंने तेरे शेयरिंग ऐसे दो पाइप निकाल के जूस पीना, तो शेयरिंग वाला हो गया ना, ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, और भी तरीके हो सकते हैं, पर हमें जनरली दो को पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं बोला था, दो प्रकार के बॉन्ड पॉसिबल है, एक शेयरिंग से और एक ट्रांसफर से। तो एग्जांपल देखते हैं फटाफट। मैंने कहा मान लो मेरे पास एच है और सी एल है, ठीक है। देखो आपको मैं बताना भूल नहीं गया, आपको पता होगा इसका 17 होता है, क्या होता है 17 का मतलब हो गया 2, 8 और लास्ट में 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लुईस ने बोला जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको डॉट से दिखाओगे, क्या दिखाओगे, और हाइड्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं 1, तो इसको बोलते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं। अब इसने, अब आप समझना, देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 8 पूरा करने के लिए, यहाँ पर 8 के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे हेल्प मांगेगा, इससे हेल्प, तो यहाँ पर हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग, क्या हो जाएगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस, देखो अब इसके पास, अब हाइड्रोजन का काउंट करो, तो हाइड्रोजन के पास अब 2 हो गया, कितना हो गया 2। अब क्लोरीन का काउंट करो, क्लोरीन ये शेयरिंग हुआ ना, शेयरिंग, तो यहाँ पर कितना हो गया 288 हो गया, तो ये भी स्टेबल, ये भी अच्छा फील कर रहा है, पहले एक था अब 2 हो गए, अच्छा फील कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, आयोनिक में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, देखो अगर आप सोडियम को देखते हो और एक बार क्लोरीन को देखो, सोडियम का है 281, क्या है 281, और क्लोरीन का है 287। अब ये चाहता है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन लूँ ना, बिल्कुल भी क्या चाहता है, मैं इलेक्ट्रॉन ना लूँ, मैं एक दे दूँ, एक देने से मैं अच्छा फील करूँगा, और ये कह रहा है अगर मुझे एक मिल जाए तो मैं अच्छा फील करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम अपना एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, लेता नहीं है, लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देने के बाद इसके पास 8 आएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे इस पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर पॉजिटिव आता है, तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है, और Cl को इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा मिला है तो Cl नेगेटिव बन जाता है, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस के बीच में, और उस अट्रैक्शन के कारण यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है बताओ, आयोनिक बॉन्ड तब तब बनता है जब जब प्लस माइनस का फोर्स हो, ठीक है, जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट सुनो, ये क्लास 12th में पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, क्लास 12th में पूरा चैप्टर है, यहाँ मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ। देखो जब कोई बंदा अपना पूरा का पूरा रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, देखो नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5, 5 में से 3, देखो नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया 7, 7 का मतलब क्या हो गया 2 एंड 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री रह गए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है 2 इसके पास, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये लोन देने के लिए रखा हुआ है, लोन समझते हो ना, जब पैसा बहुत है तो लोन दे सकता हूँ, तो ये लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर, अगर ये अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इकट्ठा है एक साथ दे दे किसी को, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहा है भाई, पूरा का पूरा उठा के दे रहा, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट समझते हो, अरे कोऑर्डिनेट यानी हेल्प कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर का डोनेशन होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, वहाँ डोनेट हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर, मतलब बात एक ही है, पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए ऐसा समझ लो, 12th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, पर एक मार्क आ जाए आपकी किस्मत में, मुझे भरोसा नहीं है, पता है मुझे आपके बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया है, इसमें क्या है देखो सुनो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें बनाना है ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो लुईस कहता है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो भी, उसको डॉट से बनाओ, तो ऑक्सीजन में होता है कितना 8, 8 का मतलब कितना हो गया 2, 6, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है 2, 6, लास्ट में कितने 6, तो 6 बना दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन के लास्ट में 1, 1, 1 बना दो। सेम यहाँ पे कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6 नंबर पे, कार्बन 6 पर होता है, तो लास्ट में कितना आएगा 4, तो 1, 2, 3, 4 बना दिया मैंने, हाइड्रोजन के लास्ट में 1, 1, 1, 1। अब सुनो अब करना क्या है, शेयरिंग करवा देना है, ताकि देखो इसको इसको समझना, इससे ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, हो गया काम इसका, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे शेयरिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो देखो ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, देखो इसको बना रहा हूँ मैं O और 2H, इसका वेंट शेप होता है ध्यान रखना, इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये शेप याद रखना, ठीक है ना, वाटर का, और यहाँ पर क्या बन गया CH4, 1, 2, 3,
चार। तो हमने यहां से क्या याद कर लिया, हमने यहां से याद कर लिया कभी भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बोलेंगे एक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? एक बॉन्ड। अगर चार इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हम याद कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, अगर एक दो तीन चार तो इसको बोलेंगे दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तो छोटी सी बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी बार आया तुम सोच नहीं सकते, बहुत बार आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। देखो बच्चे को पता नहीं होता एसिटाइलिन का मतलब क्या होता है, ये होता है एसिटाइलिन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर रफली ड्रॉ किया है। चलो टाइम मैंने दे दिया आप लोगों को, टाइम दे दिया, अब मैं कर रहा हूँ। सुनो कैसे होगा ये देखना। इसको पता है देखो इस कार्बन के कितने कितने होते हैं लास्ट में? चार। तो मैंने चार डॉट बनाया, इस कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं? चार। मैंने चार डॉट बनाया और जानबूझ के ऐसे सेट किया कि एक इधर चले जाए और ये इसके साथ चले जाए, ठीक है, और जो बचे हुए तीन है बीच में इनके साथ चले जाए। तो बन गया देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक एच इधर और एक एच इधर, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा सी टू एच फोर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, सी टू एच फोर। मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा और बहुत बार यही क्वेश्चन आया है ओजोन वाला। इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। अब ध्यान से कहता है फॉर्मल चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन लिखने वाला आप यही लिख के आओगे, कुछ भी अलग नहीं, डेफिनेशन भी आएगा यही सेम। क्या लिखा है? फॉर्मल चार्ज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम की बात चल रहा है उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने निकालना सिखाया आपको, जो लास्ट में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में नहीं है, जो फ्री है बैठा हुआ है, लोन देने के लिए बैठा हुआ है, उन इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, और माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है कितना बॉन्डिंग में है। एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा। देखो मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया, आप याद कर लेना यही स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, ठीक है ना। अब उसने बोला यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर वन, ऑक्सीजन नंबर टू, ऑक्सीजन नंबर थ्री, मैं पहले नंबर का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला ठीक है पहले नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन है तो छह ही होगा ना, अरे ऑक्सीजन का तो छह ही होता है, तो मैंने लिख दिया छह। फिर माइनस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में नहीं है, बॉन्डिंग में कितने नहीं है, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। आगे है माइनस का हाफ शेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसने कितने शेयर कर रखे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो मैंने छः लिख दिया। तो इसको देखो छः में से, ये देखो ये काटो तीन तीन दो पाँच, छः में से माइनस फाइव वन, तो इस पर कितना फॉर्मल चार्ज हुआ, वन। तो पहले ऑक्सीजन पे है प्लस वन, वैसे आप दूसरे के लिए निकालो फॉर्मल चार्ज, फटाफट दूसरे के लिए निकालो, मैं उम्मीद करता हूँ आप निकाल लोगे। देखो दूसरे में निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो छः होगा, ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन जो यूज़ में नहीं है, चार, चार इलेक्ट्रॉन यूज़ में नहीं है, चार, माइनस में कितने बॉन्डिंग में है, तो चार बॉन्डिंग में उसका आधा करना है, तो आंसर आ गया जीरो। कितना आ गया, देखो ये काटोगे दो चार दो छः, छः में से छः गए जीरो, और थर्ड के लिए आप करोगे होमवर्क है, और आंसर इसका आएगा माइनस वन। कितना आएगा? माइनस वन। जो यहाँ बैठे अभी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चाहो तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला ऑक्सीजन प्लस में था, ये जीरो में था और ये माइनस वन में था, ठीक है ना। अब हम काम की बात करेंगे कि फटाफट। अब सुनो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वन मार्क में आया है जब भी आया है, वैसे तो बहुत रेयर चांस है कि लिमिटेशन आपसे पूछेंगे, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आएंगे जो हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे जनरली। इनसे जो हम पढ़ रहे हैं इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, लुईस वुईस से बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लुईस का मैं बता रहा हूँ, देखो लिमिटेशन दो मैंने लिखा है, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे ड्यूप्लेट ऑफ एच टू। देखो लुईस कहता है कि भाई आठ पूरे होंगे तो स्टेबल होगा, पर आपको पता है हाइड्रोजन के लास्ट में एक होता है, दूसरे हाइड्रोजन के लास्ट में भी एक होता है, देखो दोनों ने बस दो दो पूरा किया है, इसका भी दो पूरा हो रहा है और इसका भी दो, और हाइड्रोजन गैस तो मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस स्टेबल कैसे हो गया या बॉन्ड कैसे बन गया ये। तो उसने बोला कि नहीं भाई हमेशा ऑक्टेट हो ऐसी बात नहीं है, ड्यूप्लेट पे भी स्टेबल हो सकता है, ड्यूप्लेट मतलब दो पूरा होगा तब भी वो अपना काम हो जाएगा, यहाँ पर आठ है क्या, नहीं। दूसरी बात क्या है, देखो एक्सटेंडेड ऑक्टेट मतलब क्या है, पी सी एल फाइव, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पी सी एल फाइव को देखते हो ना, पी सी एल फाइव में देखो ये फॉस्फोरस है, तो देखो कैसे दिखेगा आपको, एक क्लोरीन दो क्लोरीन तीन क्लोरीन चार क्लोरीन पाँच क्लोरीन। अब फॉस्फोरस का वो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस इलेक्ट्रॉन, ये कहता था सिर्फ आठ होने चाहिए, कितने होने चाहिए, यहाँ तो दस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। तो फिर लुईस की बात इतनी मज़ेदार नहीं है, हाँ कहीं कहीं पर ठीक है, बहुत जगह पर ठीक है, अभी भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह पर इसकी लिमिटेशन है। क्या है, तो इसको पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, या लुईस ऑक्टेट अप्रोच का लिमिटेशन, या लुईस थ्योरी का लिमिटेशन। चाहो तो आप दो तीन पॉइंट ऐड कर सकते हो बहुत ईजिली कहीं से भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
अब पढ़ते आगे चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें। लैटिस एंथैल्पी, देखो लैटिस एंथैल्पी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जीवन भर काम आएगा, क्लास ट्वेल्थ में भी काम आएगा। लैटिस एंथैल्पी होता क्या है, ये कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस कंप्लीटली। जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक मोल सब्सटेंस है ए प्लस और बी माइनस से बना है, हमें नहीं पता क्या है ये, हमने यहाँ पर एनर्जी दिया 10 जूल नहीं टूटा, 12 जूल नहीं टूटा, 15 जूल नहीं टूटा, 20 जूल पे टूट गया, तो 20 जूल ही क्या होगा हमारा लैटिस एंथैल्पी, क्या होगा लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर इस केस में मैंने 20 जूल माना है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी लैटिस एंथैल्पी। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो लैटिस लैटिस एंथैल्पी से हम समझे क्या, कितना एनर्जी देगी टूट जाए, कितना एनर्जी देगी टूट जाए। तो भाई अगर फोर्स ज़्यादा हुआ, फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, चार्ज अगर ज़्यादा हुआ, अरे चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा ना, चार्ज से ही तो फोर्स पैदा हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन साइज अगर छोटा हुआ तब भी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, छोटे साइज वाले बहुत अच्छे से चिपके होंगे, पता ना आप लोगों को, छोटे छोटे साइज है तो बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, पता आपको, तो अगर चिपक गए बढ़िया से तो भाई एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कि लैटिस एंथैल्पी फोर्स पर डिपेंड करता है डायरेक्टली और साइज पर इन्वर्सली। अब देखो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, मैंने कहा साइज तो सबका सेम है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, तो साइज वाला फैक्टर तो गया। अब हम देखेंगे चार्ज या फोर्स, तो देखो यहाँ पर प्लस थ्री है तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, फिर इसमें सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी, क्यों, प्लस माइनस में फोर्स कम है तो एनर्जी कम देंगे टूट जाएगा, सबसे कम एनर्जी फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, डाइपोल मोमेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम अभी। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, आइदर चार्ज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज मल्टीप्लाई करना होता है, आपको समझ नहीं आया मैं बताता हूँ। देखो मैंने कहा यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर Cl माइनस है, तो मैंने कहा अच्छा डाइपोल मोमेंट निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है केमिस्ट्री में म्यू और फिजिक्स में होता है पी, क्या होता है, तो हम केमिस्ट्री वाला यूज़ कर रहे हैं, इसका मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए इस क्वेश्चन का, तो मैं लिखूंगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, क्या मतलब होता है, किसी भी एक चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, चलो मैंने लिख दिया प्लस वाले चार्ज की वैल्यू, जो भी है यहाँ पर जो भी वैल्यू है मैं नहीं पता लिख दिया। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा डिस्टेंस, मान लो चार है, कितना है, तो मैंने चार से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया डाइपोल मोमेंट, क्या आ गया, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अच्छा डाइपोल मोमेंट बताता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है पहले वो समझ लो, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट सीख लिया हमने, अब सीखते हैं कि डाइपोल मोमेंट बताएगा क्या। देखो डाइपोल मोमेंट क्या बताने वाला है कि भाई कौन सी चीज़ पोलर है, पोलर मतलब पता क्या होता है, पोलर का मतलब होता है प्लस माइनस वाला, और कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा प्लस माइनस वाला नहीं है, कौन सा प्लस माइनस वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैंने लिखा यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, क्या लिखा, तो हमें पता है कि भाई प्लस और माइनस है, कुछ डिस्टेंस भी है, तो जो भी आंसर आएगा क्या वो जीरो के बराबर होगा, नहीं। पर इसमें देखो मैंने लिखा Cl, क्या लिखा Cl, तो आपको लॉजिकली पता है कि भाई चार्ज तो आएगा ही नहीं, दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं इधर उधर, तो इस पर भी चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज क्या आ जाएगा, अगर चार्ज इन पर जीरो आ गया तो फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला क्या था, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्लस माइनस यहाँ पर नहीं है, और ये बता रहा है कि प्लस माइनस है। नॉन पोलर होने का मतलब है कि प्लस माइनस नहीं होगा, पोलर का मतलब क्या है, प्लस माइनस होगा। अगर कभी बोले पोलर तो समझ जाओ कि जीरो के बराबर नहीं है, कभी बोले नॉन पोलर समझ जाओ जीरो के बराबर है, क्या बात समझ में आ गया, आप क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे। अब हम देखते हैं कौन सा पोलर है कौन सा पोलर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं ये सीखने के बाद। देखो CCl4 में क्या होगा, कैसे भी स्ट्रक्चर बनाओ, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl। अब बात को समझना, देखो एक Cl इधर खींचेगा तो एक इधर, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, खिंचाव नहीं हो पा रहा ना, ये इधर खींचेगा तो ये इधर, तो प्लस माइनस आएगा क्या, डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या था, चार्ज चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज है ही नहीं, चार्ज जीरो, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया जीरो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो BF3, क्या देख रहे हैं हम, BF3, तो ये B होता है, क्या होता है ये, मान लो मैंने ऐसे बना दिया F F, एक F यहाँ बनता है, ये स्ट्रक्चर होता है, मैं बाद में बताऊँगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब देखो इसका जीरो आएगा कि नहीं, आप खुद समझना, देखो ये इधर खींचेगा फ्लोरीन, इधर खींचेगा ये फ्लोरीन, इधर खींचेगा ये इधर, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है, तो मैं दिख नहीं रहा है पर हो रहा है, देखो समझना इस बात को, देखो सुनो, जब ये इधर खींचेगा फ्लोरीन, देखो ध्यान रखना हमेशा खींचने वाले कौन होते हैं,
खींचने वाले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ट्रिक क्या था? फोन कल बाहर आई आरती, फोन किया कल बाहर आई आरती, फोन किया तो कल बाहर आई आरती। ये सारे कैसे बंदे होते हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा वैसे फ्लोरीन भी खींचेगा ना। अब देखो एक बंदे ने ऊपर खींचा, अब इन दो एक एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर, तो इन दोनों का नेट ना इधर से आएगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि अगर एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर, तो बीच में आता है। अगर कोई मुझे इधर से खींचे और इधर से भी खींचे तो मैं बीच में आऊँगा ना। तो बात समझ पा रहे हो, एक तो ऊपर खींच रहा था पर इन दोनों ने मिल के नीचे खींचा, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ क्या कोई सेपरेशन होगा चार्ज का? अरे जितना ऊपर गया उतना ही नीचे। तो फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज जीरो है तो आंसर भी क्या गया? जीरो। अब यहाँ पर NH3 देखते, क्या देखते? तो NH3 का डायग्राम कैसा होता है? देखो ऐसा होता है डायग्राम NH3 का, एक दो तीन और एक, अब देखो पाँच होते ना पाँच, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, आप समझना। देखो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन इधर खींच रहा है ऊपर, नाइट्रोजन ऊपर खींच रहा है, ऊपर ही खींच रहा है, कोई खींच पीछे नीचे खींचने वाला है क्या? नहीं। तो ये तीनों ऐड होकर ऊपर चले जाएंगे, एक दो तीन। तो यहाँ पर देखो चार्ज बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया तो ऊपर नेगेटिव नीचे, ऊपर नेगेटिव नीचे, चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है, चार्ज भी है और, तो पक्का यहाँ पर जीरो आंसर नहीं आएगा। तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कैसा है? पोलर। क्या ये पोलर है? मैंने उल्टा तो नहीं लिखवाया था पीछे? हाँ सही लिखवाया, सही लिखवाया। हाँ नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? पोलर, प्लस माइनस है यहाँ पर, क्या है? अब इस क्वेश्चन में देखो NF3 में NF और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोबारा समझना, दोबारा देखो फ्लोरीन खींचेगा, खींच रहा है फ्लोरीन, पर मैंने क्या होता है नाइट्रोजन भी खींच सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन ज़्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दिखाई देंगे तुम्हें, दिखाई देंगे। तो नीचे आ गया नेगेटिव, ऊपर क्या आ गया? तो दोबारा देखो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि चार्ज है ना, चार्ज नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या हो गया? पोलर। क्या हो गया? पोलर। तो NH3 और NF3 दोनों क्या होते हैं? पोलर। ज़्यादा कौन होगा दोनों में? ऊपर वाला, ऊपर वाला ज़्यादा क्यों होगा बताओ? क्योंकि क्योंकि समझना, ये ज़्यादा पोलर क्यों होगा? रीज़न देखो, रीज़न यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो चार्ज क्या है? ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? आंसर ज़्यादा आएगा, आंसर, क्योंकि आंसर क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज ज़्यादा तो आंसर क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका म्यू ऑफ NH3 ज़्यादा होता है म्यू ऑफ NF3 से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, म्यू ऑफ NF3 से, म्यू ऑफ NF3। अब बताओ इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? तो नाइट्रोजन ऊपर भी तो खींच रहा है, तो अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो 5 को 6 को बुला ले रहा है वो, तो नीचे कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे ना, कम पहुँचेंगे तो नीचे चार्ज क्या होगा? कम। तो आंसर भी क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? कम। तो किसका आंसर ज़्यादा आएगा? NH3 का। किसका आएगा? तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? बिकॉज इन केस ऑफ NF3, ठीक है ना, देर इज नाइट्रोजन विच अपोजेस द फ्लोरीन। क्या बात समझ में आ गया? फटाफट अपनी भाषा में लिख लो इसको, फिर मैं आपको बुक की लैंग्वेज में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो बेटा मैंने अपने मन से लिख दिया इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान दो, लिखने में टाइम लगता है इसलिए। दोबारा क्वेश्चन समझते हैं, एक है NH3, एक सेकंड लगेगा, एक है NF3। अब यहाँ पर सिर्फ एक बंदा खींचने वाला है, कौन? नाइट्रोजन। तो सिर्फ नाइट्रोजन खींचेगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा। इसमें नाइट्रोजन भी खींचने वाला है और फ्लोरीन भी खींचने वाला है, मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन खींचने वाले होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी खींच रहा है, फ्लोरीन भी खींच रहा है। नाइट्रोजन मान लो फ्लोरीन नीचे खींच रहा है तो नाइट्रोजन ऊपर, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रही है? कैंसिल करने से आंसर क्या आएगा? कम। तो NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है, NH3 का क्या होता है? ज़्यादा। मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आपके टीचर गलत नहीं कर सकते। देखो बिकॉज सम अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कैंसल्ड ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्या बात समझ में आ गया? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन का ऊपर है, फ्लोरीन का नीचे है, कैंसिल होगा, आंसर कम हो जाएगा। पर वहाँ पर ऊपर में NH3 में खींचने वाला कोई नहीं है, NH3 में खींचने वाला कोई नहीं है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, डेफिनेशन भी आती है इसकी, सुनो क्वेश्चन का टॉपिक का नाम क्या समझना, टॉपिक का नाम है फजांस रूल। क्या नाम है? फजांस रूल। इसने ना एक अनोखा सोच था इसका, इसने क्या सोचा कि देखो यहाँ पर Na प्लस है और मान लो Cl माइनस है, क्या है, तो आपको पता है ना कि Cl के आसपास इलेक्ट्रॉन होगा, होगा ना Cl के आसपास, अरे Cl नेगेटिव वाला बंदा है, Cl के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अगर सोडियम प्लस है, अगर सोडियम क्या है प्लस, तो ये प्लस ना लालच में, किसमें, लालच में उसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, देखो इलेक्ट्रॉन अगर बिछा हुआ तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का बादल, क्या बोलेंगे, जैसे पानी तो बोलते हैं हम पानी का बादल आ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का बादल होगा यहाँ पर, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो ये प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने जो खींचता है ना, इसी को बोलते हैं हम पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया, डिस्टोर्शन यानी टूटना, क्या है ये, डिस्ट्रॉय करना, एक तरह से टूटना, क्या बोल रहे हैं हम, टूटना, टूटना ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन, क्या है ये, अनाइन, मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, अनाइन ड्यू टू कटाइन, कटाइन मतलब पॉजिटिव, अगर किसी पॉजिटिव ने किसी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर दिया, तोड़ दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं। अच्छा एक टॉपिक आता है पोलराइजिंग पावर, क्या आता है, पोलराइजिंग पावर, तो क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हो, शक्ति, पावर टू पोलराइज, पोलराइजिंग पावर भाई, डिस्टॉर्ट करने की पावर, तो क्या लिख देंगे, इट इज द व्हाट, इट इज द पावर ऑफ एन कटाइन टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते, मेरी बात सुनो, ये लिखा है पोलराइजेशन, क्या लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन का खींचना, क्या इसका मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन का खींचना, खींचना किसके द्वारा, किसके द्वारा बताओ, किसके द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा, किसके द्वारा, पॉजिटिव के, अभी बताया था ना पीछे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, अच्छा ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ अनाइन, अगर नेगेटिव वाला बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, खींचने में मजा आ गया, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज अगर प्लस बहुत ज़्यादा है तो तुरंत खींचेगा, नेगेटिव में चार्ज ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा, तो और खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो साइज ऑफ अनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज ऑफ कटाइन के इन्वर्सली है, क्यों, जितना कटाइन छोटा होता है ना, जितना कटाइन छोटा होगा, सोचो मैंने कहा कि एक प्लस यहाँ फैला है, एक प्लस यहाँ फैला है, एक प्लस यहाँ फैला है, और इलेक्ट्रॉन को खींचना है, इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो मज़ा नहीं है क्योंकि ये बड़े दूर दूर तक फैले हुए, लेकिन अगर यही चार्ज छोटे में फैला हो एक साथ इकट्ठे, अगर इकट्ठे कर दूँ तो पावर बहुत बढ़ जाएगी खींचने की, बढ़ जाएगी ना, यानी अगर कटाइन आपका छोटे साइज में हुआ तो खींचने की पावर क्या होगी, ज़्यादा, तो ये है हमारा पोलराइजेशन का मतलब, क्या है, खींचने की, खींचना, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन का खींचना किन किन बात पर डिपेंड करता है, कि कटाइन छोटा हो, कटाइन और अनाइन बड़ा हो, जिसको हम खींच रहे हो तो बड़ा होना चाहिए ना भाई, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उसका, और हमारा चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तभी तो हम खींच पाएंगे, तो ये फटाफट लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसका टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, इसका नाम होता है फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, क्या बात समझ में आ गया, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आएगा समझ लो, पहले एक होता है कोवेलेंट करैक्टर, क्या होता है कोवेलेंट करैक्टर, मुझे बताओ Na प्लस और Cl माइनस क्या थे, आयोनिक, क्या थे, ये आयोनिक बॉन्ड थे, तो इनका करैक्टर कैसा होगा, आयोनिक करैक्टर, लेकिन फजांस ने दुनिया बदल दिया, फजांस ने बोला ये आयोनिक है ठीक है पर ये कोवेलेंट भी है, तो हम तो परेशान हो गए, पहले तुम बोलते हो आयोनिक है फिर बोलते हो कोवेलेंट, तो कहता है रीज़न समझो, वो कहता है देखो ये प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को इधर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर खींच लेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऐसा लग रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, अब लगेगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, मेरे पास आ गया, शेयरिंग में है मेरे, अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जैसा लग रहा है तो कौन सा बॉन्ड बन गया अब, कोवेलेंट, बात समझ में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड भी है पर इसके पास कोवेलेंट करैक्टर भी है, क्या है, कोवेलेंट करैक्टर भी है, तो हमने क्या बोला, कहीं पर अगर पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट करैक्टर बन जाता है या कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बन जाता है, तो कहां कहां पर, कहीं पर भी पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट करैक्टर होगा, क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर, तो क्या हर जगह ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का खींचना, हाँ, तो हर जगह आयोनिक भी मिल सकता है और कोवेलेंट भी मिल सकता है, क्या बात समझ में आ गया, क्या
कोई बॉन्ड ऐसा है जो प्योरली आयोनिक हो, नहीं, पूरी तरह आयोनिक नहीं होगा, पक्का कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो वो कैसा होगा, कोवेलेंट भी होगा। ना प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवेलेंट होता है, मिक्सचर ही होता है। क्या होता है? मिक्सचर। ये किसने बताया? फजांस ने। अच्छा सुनो सुनो, क्वेश्चन एग्जाम में आया कि व्हाट इज फजांस रूल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू फजांस, अकॉर्डिंग टू फजांस देयर इज ऑलवेज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। फिर आप वो सब बातें लिख दोगे जो मैंने बताया था कि पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन होता क्या है, तो फजांस के बारे में सब कुछ लिख दोगे अच्छे से। फटाफट फिर आगे बढ़ते, और जिस जो नहीं लिख रहा किताब में बहुत पछताओगे बेटा, उसको लिख लो अच्छे से। फजांस ने क्या बोला? बोला कि कोई भी ना प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। आयोनिक कोवेलेंट बन जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन, फिर उसकी डेफिनेशन लिख देंगे क्या होता है पोलराइजेशन, ठीक है ना। देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको। वैसे इसकी इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स, क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। ये ना पोस्टुलेट्स लिखा हमने, ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पर पोस्टुलेट्स लिखा है। पोस्टुलेट्स मतलब क्या क्या सोचा, इस थ्योरी में क्या क्या बोला गया है। हमने दो लिखा जिससे हमारा काम हो जाएगा। आपका मन करे आप पाँच पढ़ लो, दस पढ़ लो, पचास पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं आता दो अच्छा है ना। वैसे तीन पोस्टुलेट्स है इसके मोटे मोटे, ठीक है, जिसमें तीनों बात इसी को खोल के लिख दिया इंग्लिश में। तो पहला पोस्टुलेट फिर नीचे लिख दिया, दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा ये रहा। अब इसको हम समझते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा ये, अगर आ गया तो आप लिख देना, ठीक है। अब सुनो क्या बोला जाता है कि देखो वैलेंस सेल, देखो नाम पढ़ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी ये रिपल्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है उसमें रिपल्शन होगा, क्या होगा। तो ये कहता है देखो भाई सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है जब कहीं पर ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हो, क्या रखे हुए, यानी लोन पेयर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लोन देने के लिए जो पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन में और बॉन्ड में रिपल्शन होगा, फिर बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्शन होगा, सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। अब कहता है कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि रिपल्शन कम हो। अरे सोचो ना, कोई अगर मैं घर बना रहा हूँ, घर, और घर डांस कर रहा है, तो स्टेबल है क्या, उसमें रह सकते हो आप? नहीं। तो स्ट्रक्चर हम कैसा चाहते हैं? कैसा जिसमें रिपल्शन ना हो या कम हो। तो यही तो बहुत लॉजिकल बात कहता है कि भाई स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का ऐसा होगा जिसमें रिपल्शन क्या हो, कम है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा देखो यहाँ पर मेरा पानी है H2O, आपने ऐसा बना दिया, वो कहेगा गलत है। वो कहेगा क्यों गलत है भाई, देखो अगर आप ठीक से देखो, एक दो तीन चार कितने इलेक्ट्रॉन खाली होते, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, छः होते हैं ना, छः। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ऐसे बना दो, एक यहाँ एक यहाँ। अब बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कितना पास पास रखा है, पास पास रखने से पता क्या होगा, बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये शेप नहीं होना चाहिए, ये शेप तो हमने पढ़ा है रिपल्शन के कारण ऐसा शेप बनता है इसका, ऐसा शेप बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम चाहते हैं एक इस कोने पे हो तो अगले इस कोने पे हो, हम दूर रखना चाहते हैं, रिपल्शन क्या हो, कम। ये रिपल्शन के कारण ही ऐसे बैंड हो गए हैं, बात समझ पा रहे हो। तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि रिपल्शन क्या रहे, कम, बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रिक देंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। अरे तुम्हें समझ में आया स्ट्रक्चर गलत क्यों है? इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, रिपल्शन होगा बहुत तगड़ा, और रिपल्शन के कारण एक टाइम पर ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, फिर ये होगा ओरिजिनल शेप, क्या होगा। अब हम शेप देखते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी शेप के बारे में डिस्कस करता है, शेप के बारे में। मैं चाहता हूँ आप इसको रट्टा मार लो, जीवन सफल हो जाएगा। रट्टा क्या मारना है? ट्रिक है काउंटिंग। अभी काउंटिंग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ना। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक में अगर आंसर 2 आता है तो ऐसे एक लाइन बना देना बस, और नाम क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री या शेप जो भी बोलो, लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर। 3 आ जाए हमारी काउंटिंग ट्रिक से तो आंसर क्या लिखोगे, ट्रायंगल प्लेनर, एक ट्रायंगल बना दो बस। अगर 4 आ जाए टेट्राहेड्रल, ऐसे बना दो, 4 लाइन खींच दो बस। और 5वां इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाना, देखो आप पहले बनाओगे एक ट्रायंगल, क्या बनाओगे, एक ट्रायंगल के ऊपर 2 डंडे खींच देना बस। तो 5 के लिए 5 डंडे चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 के लिए स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ, स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर 2 डंडे खींच दो। काम समझ में आ गया, 6 आ जाए आंसर तो ऐसे करना है, ये शेप्स हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, इसका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय, इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसे रट लो। कैसे देखो ये ट्रायंगल बाय पिरामिडल, कैसे आप समझ सकते हो, एक ट्रायंगल है उसमें एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, मिलाओगे तो नीचे एक पिरामिड बनेगा और ऊपर एक पिरामिड बनेगा, तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ये स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों है, एक स्क्वायर है उसके ऊपर एक पॉइंट है नीचे एक पॉइंट है, सबको मिलाओगे तो एक ऊपर पिरामिड बन रहा है एक नीचे पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो,
इस क्वेश्चन को करते हैं, 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बहुत सारे हमारे पास। BCL2 ट्रिक, क्या ट्रिक सुन लो, ट्रिक है काउंटिंग निकालने का। क्या निकालने का? काउंटिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन मेन एटम। मेन जो होता है, जो अकेला होता है जनरली, बी, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन एटम प्लस में साइड एटम, क्या लिखना है? साइड एटम, और अभी 2 से डिवाइड कर देना है और न्यूट्रल वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जो बता रहा हूँ मैं, देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो बी के लास्ट में कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम मतलब चार, चार के लास्ट में कितने होंगे? दो। तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने मेन के, दो। अब साइड में कितने हैं? इसके साइड में कितने क्लोरीन है बताओ? BCl2 है ये, क्या ये BCl2? कितने क्लोरीन है? दो क्लोरीन बाई टू। आंसर कितना आ गया? टू। काउंटिंग टू आता है तो आंसर ऐसा आता है, टू में ऐसा शेप होता है, याद है? यानी कि बीच में बी होगा और दोनों Cl ऐसे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है जो मेन एटम है, कौन सा एटम है? लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बात समझ पा रहे हो? वैलेंस कितना हो गया यार? बेरिलियम चार पर होता है, चार का मतलब कितना हो गया? दो और दो, तो दो लिख दिया मैंने यहाँ पर, दो लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह पर, दो लिख दिया। साइड में कितने एटम है? दो क्लोरीन है, दो लिख दिया यहाँ पर, और नीचे टू से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आया? दो। दो का लीनियर। अब BF3 देखो, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन। बोरोन मतलब पाँचवें नंबर पे, पाँचवें नंबर पे है। पाँचवें का मतलब क्या हो गया? 2-5, मतलब सॉरी, पाँचवें का मतलब हो गया 2-3। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, बगल में कितने हैं? 3 बाई 2। आंसर कितना आ गया? 3। 3 का मतलब क्या हो गया याद करो ऐसा, तो यहाँ फ्लोरीन बोरोन होगा, यहाँ पर 3 फ्लोरीन। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं BF3 वाला, याद है? अच्छा अगला देखो SF6, क्या ये? लास्ट में सल्फर, सल्फर मतलब 16, 16 मतलब 2, 8, 6। लास्ट में कितने आ गए? 6 प्लस 6 बाई 2, कितना आंसर आया? 6 आया। 6 के लिए क्या बनता है? ऐसा एक, ऐसा बीच में होगा सल्फर, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। क्या बात समझ में आ गया? आप चाहो तो इसे बॉन्डिंग दिखा भी सकते हो, आंसर आ गया हमारा। चाहो तो और डॉट कर सकते हो, ऐसे ऐसे लो, जैसे मर्जी कर लो, बात समझ पा रहे हो? अगला अगला देखो PCl5। 5 फॉस्फोरस के लास्ट में कितना होता है? 5। क्लोरीन कितने हैं? 5 बाई 2, कितने हो गए? 5 ही आया आंसर। तो 5 के लिए आंसर ऐसा था, ट्रायंगल के ऊपर ऐसे, तो बीच में फॉस्फोरस, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। अगर जिंदगी भर गलती नहीं करना चाहते हो तो याद रखना, जब भी ये वाला केस आए, कौन सा वाला केस? ये वाला केस आपको स्टार्ट कोने से करना है। किससे करना है? कोने से भरना है, स्टार्ट करना है। याद रखना 6 वाले केस में कोने को पकड़ो, किसको पकड़ो? कोने को भरने के लिए 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, फिर 3 फ्लोरीन, 4, फिर 5, फिर 6। इस वाले केस में हमेशा इसको पकड़ना है ऊपर को, 5 वाले केस में ऊपर से, किससे? ऊपर से, तभी क्वेश्चन सही होगा। ट्रिक है, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 वाले केस में भरना किससे? ऊपर से। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं ये लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन उन्होंने लिखा यहीं पर अभी हाथों हाथ, PCl3 क्या लिखा मैंने? अब मैं बोलूँ बनाओ, तो आप बोलोगे फॉस्फोरस के लास्ट में कितना होता है? 5। साइड में कितने हैं? 3 बाई 2। आंसर कितना आया? 4। अरे 5 3 8 बाई 2, 4 आया पक्का? 5 3 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाओ इसका, 4 के लिए कैसे बनाओगे बताओ? ये तो बड़ा आसान है, फॉस्फोरस 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और यहाँ जो बचा इसको इलेक्ट्रॉन बोलते, क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बना सकते हो। तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन कुछ और होता ना तो फंस जाते हम। बताऊंगा अभी फ्यूचर में आएगा क्वेश्चन, क्या करना आ गया सबको, बट आपको आया करने? आपको आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से आप देखो। अगला क्या है? अगला है हमारे पास NH3, क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है? 5। 7 होता है, 7 2 5 3 बाई 2 4, तो N 1 2 3 4, 1 2 3, एक खाली, अरे एक तो खाली होगा, 3 ही है यार। SF4 6 4 10। अच्छा शेप याद है तुम लोगों को, इन सबको क्या बोलते हैं हम? इसको लीनियर बोलेंगे, ट्रायंगल प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या ऑक्टाहेड्रल इसी को बोलते हैं। ये ट्रायंगल बाई पिरामिडल, तो ये, और ये टेट्राहेड्रल है, ये कैसा है ये, है ना? इसके अलग अलग शेप है, भी बताऊंगा मैं आपको क्या इनके नाम है। चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये वाला कर रहे हैं हम, SF4 वाला ना। कितना होगा? 6 4 10 2 5, कितना आया? 5। 5 के लिए कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे बनाओगे ना, तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा वाला है 5 वाला, ऊपर से स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, कितने रह गए, दो और रह गए ना, तीन चार, तो यहाँ पर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सी सो स्पेशल बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सी सो, और यही तुम्हें एग्जाम में दिखेगा। ऊपर वाला नहीं छोड़ सकते बेटा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है ऊपर, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना एक्सियल, एक्सियल पर अगर लोन रखेंगे ना बहुत रिपल्शन होगा, क्या होगा, क्योंकि ये पास आ जाएगा ना, इसके फ्लोरीन के पास रहेगा, यहाँ रखने से बहुत दूर हो गया, दूर हो गया तो रिपल्शन क्या होगा, कम, तो कभी भी हम यहाँ नहीं रखते, यहाँ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी स्टार्टिंग ही ऐसी थी कि रिपल्शन कम होना चाहिए। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन में अगर मैं लूँ, अगला क्वेश्चन क्या, इसको सीसो बोलते, ध्यान रखना, जब भी ऐसा बन जाए, कैसा, ऐसे और ऐसे, इसको सीसो बोलते, क्या बोलते, सीसो स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी का नाम तो मैंने आपको याद करवा दिया। अच्छा अगला कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ, सी एल एफ थ्री में क्लोरीन कितना होता है लास्ट में, सेवन, तीन दस भाई दो, पाँच, पाँच के लिए यही, ऐसे एक दो, यहाँ पर क्या जाएगा आपका क्लोरीन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, यहाँ लोन, यहाँ लोन। अच्छा जब भी पाँच आएगा शुरुआत यहाँ से करेंगे। अच्छा ये शेप कैसा है, टी, कैसा है ये, दिख रहा है, इसको बोलते हैं टी शेप, क्या बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन है, आप करना एक बार ट्राई करना, एनसीईआरटी पेज नंबर 110 पे आई थिंक, ठीक है, 110 पर आपको दिख जाएंगे। अच्छा BrF5 का क्वेश्चन, XeF4 का क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हो। ब्रोमीन के लास्ट में कितना होता है बताओ, ब्रोमीन के लास्ट में सेवन, अरे क्लोरीन का भाई है, क्लोरीन ब्रोमीन का भाई, सात पाँच बारह बाई दो कितना हो गया, छः, छः के लिए ऑक्टा, ऑक्टा हेडल बनाया मैंने, अरे एक दो, अब मुझे बताओ बीच में ब्रोमीन को पुट कर दूँ, सेंट्रल है जो, अब बाकी क्या लिखूँ, पाँच फ्लोरीन, स्टार्टिंग कहाँ से करना है इस बार, यहाँ से एक दो तीन चार, कहीं भी लगा दो, चलो मैंने यहाँ लगा दिया तो नीचे लोन पेयर आ गया। मैंने क्या कहा था, जब भी छः वाला केस हो स्टार्टिंग किसे करेंगे, कोने से, पाँच वाला करेंगे तो ऊपर से, ये रिपल्शन पे हम ऐसा कर क्यों रहे भाई, ट्रिक नहीं है कोई, रिपल्शन कम चाहते हैं हम, दूर रखना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, XeF4 क्या है, XeF4 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। XeF4 देखो, XeF4 XE लास्ट में कितने होंगे बताओ, आठ, अरे ज़ीनोन है ये, नोबल गैस है, आठ चार बारह भाई दो, कितना हो गया, छः, छः के लिए ऐसे बनाओगे ज़ीनोन लग के, एक दो तीन चार, आप कितने बनाने हैं, चार ना, कोने से चढ़ करो, एक दो तीन चार, यहाँ एक लोन, यहाँ पर एक लोन, आ गया स्ट्रक्चर। ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, ये कुछ है थोड़ी, स्क्वायर है ये, क्या है ये, स्क्वायर, जो टी दिखता है उसको टी बोलते हैं, जो सीसो दिखता है उसको सीसो, जो स्क्वायर दिख रहा है उसको स्क्वायर, जो ट्रायंगल बाई पिरामिडल, एक ऊपर भी पिरामिडल नीचे भी, तो ट्रायंगल बाई पिरामिडल, स्क्वायर के ऊपर पिरामिडल नीचे भी पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जो ट्रायंगुलर दिख रहा है ट्रायगोनल, जो लीनियर दिख रहा है लीनियर, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में स्क्वायर है, एक प्लेन ही तो है ये, एक प्लेन में स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना, सारे मैंने बहुत करवा दिए। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा यही आएगा, एक्चुअली में आएगा तो यही आएगा और नहीं आएगा, अब आ भी सकता है। देखो PCl5 क्या होता है, लास्ट में पाँच तीन, पाँच तीन, ओ सॉरी पाँच पाँच दस बाई दो, कितना आ गया, पाँच, पाँच के लिए वैसे बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पर फॉस्फोरस। क्वेश्चन आता है ये बॉन्ड लंबा क्यों होता है, रिपल्स, ये वीक क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, मैंने पीछे बताया था इसको एक्सियल, एक्सियल होता है वीक, क्या होता है, वीक और लंबा, क्या होता है, लंबा, अरे रिपल्शन है तो लंबा हो गया ना, रीज़न क्या है, रिपल्शन, यही क्वेश्चन आता है और आया भी होगा। वीक और लंबा क्यों होता है ये वाला बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल का इक्वल पार्ट है ना, इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ एक्सियल बॉन्ड लंबा क्यों होता है, रिपल्शन, वीक क्यों होता है, रिपल्शन। जो PCl5 है वो PCl3 क्यों बन जाता है, क्योंकि दो बॉन्ड होते हैं वीक, दो बॉन्ड क्या होते हैं, टूट के PCl3 बन गए। क्वेश्चन आगे कर लोगे, फिर फटाफट आगे बढ़ते। तो मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने वेस्टफर्ड थ्योरी ख़त्म किया था, क्वेश्चंस करवाए थे एनसीईआरटी के बहुत सारे, कि डायग्राम कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन टी शेप है, कौन कैसा शेप है, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन ट्रायंगल बाई पिरामिडल है। मुझे उम्मीद है कम टाइम में मैंने जितना आपको समझाया समझ में आ गया। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने फ़ोन नंबर अपना दे रखा है। अब काम की बात, तुम सोच रहे यार ये कुर्ता कैसे चेंज हो गया भाई, दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हो, कल वाली रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई थी। सुनो, अब तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान दो, और फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा यूट्यूब पे, फेमस नहीं हो पा रहा, ऑडी ऑडी ले नहीं पाऊंगा लग रहा है। चलो कोई नहीं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, कहते हैं अरे भाई क्या हो गया ये,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझते हैं, पोस्टुलेट का मतलब समझो। पोस्टुलेट्स का मतलब है कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत बेसिक बात कहता है। देखो वैलेंस मतलब पता ना, वैलेंस सेल। मैंने कहा कोई एटम है तो एटम का ही होता है वैलेंस सेल, ठीक है ना। इसको वैलेंस सेल बोल देते हैं जनरली, हम कई बार ऐसे बोल देते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या कहता है, बोलता है देखो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बॉन्ड्स बनते हैं ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेंगे, कुछ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी बॉन्ड बनेगा। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते। तो हमें बचपन से पता है, अरे 8वीं 9वीं से पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है यार, क्या नहीं बात है क्या कोई। दूसरा क्या कहता है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लिखा है व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस एंड गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो कहानी को समझो। मैंने कहा देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ मैंने ये लिया एग्जांपल, ये है देखो, ये एक एटम है, दूसरा एक एटम है। तो क्या कह रहा है कि जब दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास जाएंगे, अप्रोच करेंगे, तो इसका वैलेंस सेल या इसका वैलेंस ऑर्बिटल और इसका वैलेंस ऑर्बिटल, पैन का वैलेंस ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे पर चिपक जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ये तो सबको पता है। और जब ये अब ये दोनों चिपक गए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो पूरे को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले एटम ऑर्बिटल, ये एटम ऑर्बिटल, ये वाला एटम ऑर्बिटल, दोनों पास में आए, ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप गले मिल गए, ओवरलैप हो गया, अब बन गया मॉलिक्यूल, तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल भाषा में कि व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, ओवरलैप ऑफ एटम ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस एंड गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ गया, दो एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बॉन्ड बनाने जाएंगे, तो जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अप्रोच मतलब एक दूसरे के पास जाएंगे, तो ठीक है, तो अब बन गया मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मुझे पता आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आप रट्टा मार लो, बात खत्म। आगे देखो हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, देखो हमें पता है ऑर्बिटल्स कैसे कैसे होते हैं, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, तो हमने कहा एस होता है स्फेरिकल, जब एस और एस मिलेंगे तो ये कहलाएगा एसएस ओवरलैपिंग, कि दो ऑर्बिटल मिले हैं एसएस। अगर एस और पी ऐसा होता है, पी का शेप ऐसा होता है डंबल शेप, तो एस और पी मिलेंगे तो ये कहलाएगा एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैप, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो जब पी और पी मिलेंगे ऑर्बिटल्स, दो एटम के पीपी ऑर्बिटल, तो कहलाएगा पीपी ओवरलैपिंग। ये ना ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, अभी दोनों ही पी ऑर्बिटल है, तो ये कहलाएगा पीपी ओवरलैपिंग। अब ध्यान रखना, देखो जब भी ऐसा हो एसएस एसपी पीपी, तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर बॉन्डिंग बड़ी अच्छे से होती है, इसको बोलते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरे का चेहरा देखो, दूसरे का चेहरा और इसका चेहरा, ऐसे चेहरा, तो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी, ऐसे रिलेशनशिप वाली बात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जब हेड टू हेड किस हो रहा है, तो आप बोलोगे यार बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, शादी होने वाली है इनकी, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, है ना। तो वही वाली बात है, जब भी हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो हम बोलते हैं स्ट्रांग बॉन्ड बना, और स्ट्रांग बॉन्ड है इसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या देखो, इन सब में क्या देखो कि हेड टू हेड है, देखो ये स्फीयर है, इसका हेड ये है तो इसका हेड ये है, अगर इसका हेड ये है तो इसका हेड ये है, इसका हेड ये है तो इसका हेड ये है। पर यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक यहाँ पर देखना इसको, यहाँ पर ये पी है, पी, तो पी को हमने ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, तो देखो हेड इसको माना था हमने हेड, अब हेड से हेड नहीं हो रहा है, कंधे से कंधा हो रहा है, साइड टू साइड, देखो ये साइड है, साइड साइड, और इसका भी साइड, तो ये हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पीपी में क्या होता है, पीपी में पीपी को कैसे ओवरलैप करवाया, मैंने दो एक एटम इधर आया एक एटम, तो ऐसे देखो एक लड़का ये रहा लड़की ये रहा, ऐसे कंधे डाल के खड़े, कंधे से कंधे मिला के खड़े, तो अभी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, टाइम लगेगा और बातचीत करनी पड़ेगी और पार्क में घूमना पड़ेगा, तब जाके सिग्मा वाला आएगा, हेड टू हेड आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का बात है जब साइड वेज या लेटरल ओवरलैपिंग हो, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल के लिए समझाया था कि आपको याद रहे, आप 11th 12th के बच्चे हो तो ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि सर तो बड़े वो हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, याद रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये साइड वेज ओवरलैपिंग, जब भी साइड साइड कंधे से कंधा मिलेगा, इसको लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैप, तो हमारा बॉन्ड वीक बनेगा। अरे कहाँ स्ट्रांग है, अभी टाइम लगेगा, वीक बॉन्ड है, और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, क्वेश्चन क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन, यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आता।
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गया होगा, ये ओवरलैपिंग का डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये हमारे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये हमारा साइड साइड ओवरलैपिंग है, और आपको सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, पाई बॉन्ड समझ में आ गया। और भाई देखो, तुम्हें सपोर्ट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना। मेरे को बड़े बड़े सपने हैं, सपने कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा ग्रो होना है ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। क्या कह रहे हो, बड़े चालाक बन रहे हो, खुद की करवानी है हेल्प है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट बच्चों, ध्यान दो। अगला है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्या अजीब सा हो गया, खतरनाक सा हो गया, नहीं मुश्किल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में डेफिनेशन आता है इसका। एग्जाम में समझना क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है इट इज़ अ प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है सर, तो मिक्सिंग टू प्रोड्यूस सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। अब बोलोगे मुझे तो समझ में नहीं आया। देखो हम करते क्या है, हमने एक ऑर्बिटल लिया, मान लो ऑर्बिटल ए, मैंने कोई दूसरा ऑर्बिटल लिया बी, ये कोई ऑर्बिटल है बी, इन दो इसकी एनर्जी है मान लो 40, इसकी एनर्जी है मान लो 41, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। इसको मैं मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बना दूंगा, एक नया ऑर्बिटल बना दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, क्या आपने केले के पेड़ में आम उगा दिया, मतलब एक अलग स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज को मिलाया तो कुछ नया बना, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ भी तो ये हो रहा है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल नहीं है तब भी चलेगा, मान लो इसकी 40 है इसकी 38 है, दोनों को मिलाया एक नया ऑर्बिटल बना, तो हम बोलेंगे ये है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी या फिर एक से ज़्यादा भी बन सकता है। बात को समझ पा रहे हो, मेरे कहने का मतलब क्या है समझना। देखो क्या लिखा है, मिक्सिंग टू प्रोड्यूस सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल, मिक्सिंग टू प्रोड्यूस, मैंने एक वाली बात बोली थी, एक से ज़्यादा ही बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मिक्सिंग टू प्रोड्यूस सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वल एनर्जी। जैसे मैं बताता हूँ, देखो मैंने एक ऑर्बिटल मिलाया एक, दूसरा बनाया बी, तो यहाँ से क्या बन गया, मेरे पास ऑर्बिटल बन गए, मान लो दो ऑर्बिटल बन गए, इसकी एनर्जी थी 40, इसकी एनर्जी थी 41। अब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास नए ऑर्बिटल्स बने। अभी नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होगी, मान लो इसकी 32 है तो इसकी भी 32 होगी। तो क्या है दोबारा डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सेट ऑफ, ये सेट है ना, सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स, एंटायरली मतलब पूरी तरह न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोबारा हम ऑर्बिटल्स को लेते हैं, उनको मिलाते हैं, मिलाने से नए ऑर्बिटल पैदा होते हैं, और जो नए ऑर्बिटल पैदा हुए सब एक जैसे होंगे, लेकिन जो पुराने वाले जिनको हमने मिलाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी का भी हो सकता है, लेकिन जो नए पैदा हुए ऑर्बिटल्स मिक्स करने के बाद वो कैसे होंगे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे। दोबारा समझ में आ गया, तो मिक्सिंग टू प्रोड्यूस सेट ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स इज ऑफ इक्वल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ दो पॉइंट्स है जिसको आप पोस्टुलेट्स बोल सकते हो, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज्ड, यानी जो भी काम होता है वैलेंस सेल का ही होता है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे। दूसरा क्या, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, उन सबका एनर्जी सेम होना चाहिए। देखो 40-41 इन दोनों का करवाया तो आंसर 32-32 मिला, मतलब क्या है, जो भी आप करवाओगे, जिनका आप करवाओगे ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, उनका नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा समझना। क्वेश्चन आएगा कि बताओ PCl5 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिक समझना। ट्रिक यही रहेगा, सबसे पहले आप लिखोगे साइड एटम, वो काउंटिंग निकालोगे। देखो पहले आप लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, लिख दिया हमने। दूसरा इसमें क्या करोगे, प्लस, ये न्यूट्रल के लिए केसेस आ रहे, ठीक है, प्लस कर दोगे आप, क्या कर दोगे, प्लस में साइड में जितने एटम है, साइड एटम, अभी आपको समझ में आएगा, रुक जाओ, और इसको टू से डिवाइड करना। अभी मैं बताऊँगा, अगर दो मिले तो बोलेंगे sp, तीन मिले तो sp2, चार मिले तो sp3, पाँच मिले तो sp3d, छः मिले तो sp
3D2। देखो इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, ये है हमारे, क्या है ये हमारे, है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बड़े आराम से, अब इस एग्जांपल को मैं फिट करता हूँ, ठीक है। PCl5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस में 5 होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। साइड में कितने क्लोरीन है, साइड एटम कितने है, साइड में है ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, सेंट्रल में कौन है फॉस्फोरस, साइड में कितने है, साइड में आपके पास है 5, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंटर में एटम है फॉस्फोरस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, साइड के एटम लिख दिए 5, साइड में 5 है क्लोरीन, 5 क्लोरीन है डिवाइडेड बाई 2, 2 से इन सबको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया आंसर आया 5, 5 आया तो हम बोलेंगे 5 वाला आंसर का sp3d, तो आंसर क्या हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात समझ में आ गया सर, एक दो क्वेश्चन और करा दो। मैंने लिया मान लो CH4 में मैंने बोला कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, साइड में एटम कितने हैं 4, देखो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, लास्ट इलेक्ट्रॉन साइड में एटम कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है 4। अब 4 के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था, 4 के लिए sp3, और आपने पढ़ा भी होगा कार्बन sp3 होता है, तो आंसर कितना आ गया sp3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का पक्का, तो इसे नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं कहूँगा देखो ये समझने के लिए बहुत वो चाहिए परिश्रम, मतलब क्या बोल सकते हो, नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मान के चलो तो पूरा ही क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसे सीखना है बहुत सिंपल भाषा में, कि देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूल्स के लिए ऑर्बिटल बनता है, ठीक है ना, By the addition या subtraction of wave function of the atomic orbital। देखो atomic orbitals जो है, atomic orbitals हम ऐसा मान लेते हैं कि वो वेव के functions है, मतलब ऐसा मान लो ये atomic orbitals है, ठीक है। अब आपको orbitals को ऐसा imagine करना है एक पल के लिए, मान लो मैं गलत भी पढ़ा रहा हूँ पर imagine कर लो, ऐसे definition याद रहेगा exam में marks आएंगे। तो क्या करना है कि हमने मान लिया कि atomic orbitals wave function है, मैंने ऐसा मान लिया कुछ भी, आप समझना इस बात को, हाँ सिंपल वेव फंक्शन नहीं होते बड़े कॉम्प्लेक्स से होते, पर हमने ऐसा मान लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, यहाँ पर मैंने बोला ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर मैंने बोला ये ओवरलैप करेंगे, समझना अगर ये ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस के पास प्लस है माइनस के पास माइनस है, प्लस के पास प्लस है माइनस के पास माइनस है। अब समझना क्या कहता है ये, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके जो वेव है, ऐसा मान लो उनके जो वेव है उनके एडिशन से या उनके सब्ट्रैक्शन से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ गया, अच्छा एडिशन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा एक वेव बना दिया, ठीक है, एक वेव बना दिया मैंने ऐसा, और दूसरा वेव भी है, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, देखो प्लस प्लस ऐड हो गए, अगर ऐड हो गए तो क्या होगा, देखो एडिशन से क्या होगा, हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम रखा गया है, जब भी एडिशन होगा वेव फंक्शंस का, जब भी एडिशन होगा तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी, क्या बनेगा, उनकी एनर्जी कम होगी, एडिशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी कम होगी, उसको सिग्मा बोलेंगे या पाई बोलेंगे। अभी बस रट्टा मार लो, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेपर में टाइम कम है, हमें बस काम का बात करना है। अगर सब्ट्रैक्शन हुआ, मान लो मैंने बोला एक वेव फंक्शन ऊपर हो गया दूसरा नीचे हो गया, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ऐसा मान लो बहुत बेसिक आइडिया है, सब्ट्रैक्शन हो गया, अगर सब्ट्रैक्शन हो गया तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एडिशन होगा तब भी ये बनेगा, सब्ट्रैक्शन होगा तब भी ये बनेगा, एडिशन में जो बन रहा है उसका नाम ये है, सब्ट्रैक्शन में जो बन रहा है इसका नाम ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिंबल क्या होता है इसके लिए, इसकी एनर्जी हाई होती है, ध्यान रखना स्टार या पाई स्टार, जैसे यहाँ पर सिग्मा और हमने पाई बोला था, यहाँ बोलेंगे सिग्मा स्टार पाई स्टार। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये कभी नहीं आएगा, जो आएगा क्वेश्चन आएगा मैं करवाता हूँ आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन क्या आएगा वो समझ लो, देखो जो आपने पीछे पढ़ा वो काम का नहीं है, पर हमें याद हो गया एडिशन होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन होगा तो उल्टा एंटी बॉन्डिंग, बात खत्म। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर से, यहाँ से हम बहुत सारी बातें बताएंगे, स्टेबिलिटी मजबूत है कि नहीं है, बहुत सारी बातें। सुनो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि भाई डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब। फॉर्मूला क्या बताया गया, 1/2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब समझना सुनो, अगर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबल होगा, यार बॉन्ड अच्छे से हुआ है ना, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड हमारा। लेकिन अगर बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कम रह गया, यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, यही तो हो सकता है इसका मतलब, और क्या मतलब होगा। दूसरा, अगर दोनों बराबर है तब भी, दोनों बराबर है तब भी अनस्टेबल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर आपका चाहते हो कि स्टेबल कंपाउंड हो और वो एग्जिस्ट भी करे, तो ध्यान रखना हमेशा ये वाला ज्यादा आना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। क्यों? ये एडिशन से बनता है, किससे बनता है, बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल एडिशन से बनता है, तो अगर एडिशन से बन रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आएगा मॉलिक्यूल को लेके, तो समझ जाओ यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको याद कर लेना, इसको आप याद कर लो या कहीं पर भी, समझ रहे हो बात को, कहीं पर भी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेल्प से मैं यूज करना सिखाता हूँ मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करना सिखाता हूँ। एक छोटी सी बात मैंने लिखी है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड मतलब जहां पर पेयरिंग ना हो, एक हो तीन हो ऐसे, तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। याद कर लिया। अब क्वेश्चन आएगा H2 के लिए बताना है क्या क्या, क्वेश्चन ऐसा आ गया H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर तो कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ गया कि कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल होगा कि डबल होगा, तो तरीका क्या है, देखो आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फॉर्मूला था। आप सुनो, अब भरना कैसे है, देखो H2 के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है यहाँ पर ऑर्बिटल सजाए हुए, ऑर्बिटल देखो ये S वाला है, S, ये S वाला है, ये S है, ठीक है ना, ये पाई वाले है, दिख रहा है। अब ध्यान रखना, मैंने बोला था जो स्टार वाले होते हैं उसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग, तो जितने भी स्टार वाले हैं इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। आपको डिक्टो इसको याद करना है कहीं पर भी। अब यूज कैसे करना है मैं सिखा रहा हूँ, देखो अब मेरे ये याद कर लेंगे हम, 1s है यहाँ पर, फिर सिग्मा स्टार 1s है, फिर 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, इसको याद कर लेंगे। अब यूज करते हैं, मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो मैं कैसे भरूंगा, तो भाई आपको पता है, देखो सुनो यहाँ पर ध्यान रखना, इस पूरे में दो दो इलेक्ट्रॉन ही भरने होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, दो से ज़्यादा नहीं भरते, कहीं भी दो ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, किसी में भी दो ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो मैंने अगर बोला मेरे पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन, तो मैं दो इसमें भर सकता हूँ। अब आगे भरने के लिए है ही नहीं कुछ, जीरो 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 जीरो, सारा जीरो हो गया। तो मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने कहा देखो भाई इसमें तो दो यहीं पर खत्म हो गए, दो इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने लिखा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। अरे ये जो बिना स्टार वाला होता है, देखो स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो है, माइनस एंटी बॉन्डिंग तो जीरो है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो आंसर कितना आ गया, 2/2 कितना आ गया, 1। यानी कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी H सिंगल बॉन्ड होता है। अब बताओ ये स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल है भाई, क्यों स्टेबल है, क्योंकि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये तो जीरो है, ये ज्यादा है ना, जीरो से बड़ा होता है दो, तो ये स्टेबल है, कैसा है ये, स्टेबल है, स्टेबल है तो एग्जिस्ट भी करेगा। हाँ भाई हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है। अच्छा डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो हम बोलेंगे देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर, पेयर मतलब ये डायामैग्नेटिक है, कैसा है ये, डायामैग्नेटिक। तो सारी बातें कर ली हमने, बॉर्डर ऑर्डर निकाल लिया, स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, और हमारा ये डायामैग्नेटिक है, इसी के हेल्प से करेंगे इसका और इस्तेमाल करते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब सुनो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास H2+। H2+ का मतलब क्या हो गया कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप एक भरोगे तो पहला इसमें भर सकते हो, और कोई आगे तो भर ही नहीं सकते, बाकी सब क्या है, जीरो, बाकी सब में क्या है, जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, जीरो है, 2 से डिवाइड किया 1/2 0.5, तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर, क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये 0.5 बॉन्ड है, आधा बॉन्ड है इसके अंदर, ऐसा समझ सकते हो। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, पेयर थोड़ी है, वन है, सिंगल है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब देखो H2- का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, देखो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तीन, तीन का मतलब क्या हो गया, आप दो यहां भर सकते हो, देखो सब में सिर्फ हम दो ही भर सकते हैं, दो यहां भरा, एक यहां भरा। अब फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग वाला माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी मतलब स्टार वाला, स्टार में वन है, 2-1 गए वन, 1/2 0.5, और क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्यों, यहां पर सिंगल, जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे समझ जाओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, अनपेयर मतलब पेयर में ना हो,
तो उसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा है हीलियम, देखो आपको पता है नोबल गैस कंबाइन नहीं होते, नोबल गैस कंबाइन नहीं होते, तो हीलियम नोबल गैस है, हमने जबरदस्ती उसको कंबाइन किया है, हीलियम टू जबरदस्ती कंबाइन किया है। ये कल्पना है हमारी, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रूफ करते देखो, हमने कहा अगर एच ई टू लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वाले में 2 आएगा, आगे भी 2 ही आ सकता है, तो स्टार वाले में भी 2 जाएगा, स्टार वाले में 2 गया, तो बिना स्टार और स्टार मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 2 का 0, आंसर 0, तो बॉन्ड 0 आ गया। बॉन्ड 0 आने का मतलब क्या है? नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है O2, एग्जाम में आपको दिखाई देगा। सुनो, O2 के अंदर होता है 16 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे 16 भरने, ठीक है? चलो फटाफट एक मिनट रुक जाओ। अब सुनो एक छोटी सी बात कि ऑक्सीजन के लिए स्पेशल केस होता है, ऑक्सीजन के लिए और F2 के लिए, इनके लिए ये वाला याद रखना पड़ेगा आपको, वो बाकियों के लिए था। O2 के लिए और F2 के लिए जनरली ये वाला इस्तेमाल होता है, और बाकी आपको जो भी देखेंगे Li2, C2 या जो भी HE2 या Helium2, उनके लिए वो वाला इस्तेमाल करना जो पीछे बताया था, ठीक है ना? तो ये मिस्टेक गलती करना भी मत, ये एनर्जी के कारण होता है, एनर्जी में डिफरेंस के कारण ऐसा आता है, ठीक है ना? तो O2 और F2 के लिए ये वाला डायग्राम याद रखना आपको, ठीक है? तो मैंने देखो O2 को बोला मैंने 16 इलेक्ट्रॉन, कितने बोले 16 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 16 कैसे भरे? देखो 16 मैंने ऐसे भरा, देखो 1s2, पहले मैंने इसमें 2 भरा, 2 4 6 8 10, ठीक है? 10 के बाद मैंने ऐसे भरना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, देख रहा आपको? पहले मैंने 10 भर दिया, फिर मैंने इसमें भरा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। क्यों? जब भी इक्वल का साइन हो, पहले एक इसको दो, फिर अगले दो, फिर इसको, फिर 14 हो गया, यहाँ तक कितना हो गया? 14। 14 के बाद क्या है? देखो अब इक्वल का साइन आ गया, तो 15 और 16। अब मैं रुक गया, क्यों रुक गया? क्योंकि अब मेरे को 17 18 थोड़ी भरना है। जब भी इक्वल का साइन हो, एक एक करके भरते हैं और मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले एक भरा, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, इसमें 14 हुए थे, मैंने कहा और 2 है मेरे पास, तो आगे बढ़ा मैं, तो 15 और ये 16। अब बॉन्ड 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो मैंने बोला बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग काउंट करो 2 4, जो बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाले काउंट करो 2 4 6 8 10, बिना स्टार वाले 10, स्टार वाले 2 4 5 6 6, तो आंसर कितना है? 2 और 2, और यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो पैरामैग्नेटिक क्या? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया, और ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये भी किसने बताया? ये भी जो O2 मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये किसने बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा दोबारा कह रहा हूँ मैं, डायग्राम अलग अलग है, बाकियों के लिए अलग डायग्राम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए अलग डायग्राम है। क्या आप समझ पा रहे हो बाकियों के लिए कौन सा डायग्राम है? बाकियों के लिए ये वाला डायग्राम है, देखो जो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पर मैं भी, ठीक है ना, मैं इस डायग्राम को ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, मैंने एकदम से देखा तो मेरे को तुरंत याद आया, बात समझ पा रहे हो? ये बाकियों के लिए डायग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए वो वाला डायग्राम है, तो प्लीज़ इसको कर लेना यार, मजाक नहीं कर रहा मैं आपके, मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के लिए। अगला क्या हमारे पास? O2 पॉजिटिव, जो एग्ज़ाम में आता है, O2+1। O2+1 का मतलब कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 15। 15 का मतलब क्या हो गया? 15 का मतलब हो गया कि यहाँ से, इस डायग्राम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ से गायब हुआ मतलब स्टार वाला एक गायब हुआ, तो स्टार वाला 5 बचा, कितना बचा? 5। तो 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 5 गए 5, और 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, कि ये भी पैरामैग्नेटिक है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? O2- आ गया, मान लो अगला मैंने कहा कि O2- है मेरे पास, क्या है? O2-। O2- का मतलब क्या हो जाएगा? देखो O2- इसका मतलब क्या हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 17 का मतलब ये है कि भाई यहाँ तक तो 16 थे, याद करो यहाँ तक 16 थे, 17 का मतलब इसमें 2 हो जाएगा, 16 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 17। अब काउंटिंग करना, तो काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर 6 देखो अब काउंटिंग करो, सब कुछ काउंट करो, देखो काउंट करो, तो ये 10, देखो इसमें काउंट करो 10 ही रहेगा, स्टार वाला बढ़ा एक, पहले स्टार वाला एक घटा था, एक स्टार वाला बढ़ गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 6 की जगह पर 7 आ गया, कितना आ गया? 7। देखो पहले 6 था, फिर एक बार कम हुआ तो 5 हुआ, और एक बार बढ़ा तो 7 हो गया, पहले 6 था, एक बार कम हुआ तो 5 हुआ, बढ़ा तो 7 हुआ, 10 में से 7 के कितने बचे? 3, और 3 का आधा 1.5, अब ये 1.5 है,
अभी भी यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन कर लिया, हमने क्वेश्चन कर लिया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, O2 प्लस और क्या बचा हमारे पास, O2 माइनस। देखो O2 का था 2, O2 प्लस में हो गया था 2.5 और O2 माइनस में हो गया 1.5। ये ध्यान रखना, ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। क्या है ये, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा, तो आप दिमाग लगा सकते हो, जिसमें देखो कहा जाता है स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड जिसमें का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। मैंने कहा देखो एक बार है ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक बार है डबल बॉन्ड, एक बार है सिंगल बॉन्ड, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, जिसका बॉन्ड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना कि किसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया। अच्छा अपना एक क्वेश्चन ध्यान रखना, नाइट्रोजन के लिए आएगा, N2 के लिए। तो देखो N2 के लिए हमारा कौन से क्वेश्चन में होगा, N2 के लिए हमारा इस वाले में होगा, ठीक है, N2 के लिए। वो O2 के लिए था, ये N2 के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ N2 और F2 के लिए था, O2 और F2 के लिए था, ये N2 के लिए। अब नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 मतलब 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, फिर 13, 14। बात समझ में आ गया। इसमें दो भर सकते हैं ना हम, सब में दो दो ही भर सकते हैं, लेकिन जब इक्वल आता है तो एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, आप निकालो बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग निकालो, मतलब स्टार वाले 2, 4, बस। तो 10 में 4 क्या 6, 6/2 3। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। तो देखो अपने आप आंसर आ गया 3। क्या गया आंसर, 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, सबके लिए ये वाला, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये वाला, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए ये वाला। देखो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए और बिल्कुल कम टाइम में आपको सिखाने के लिए ऐसे और वीडियो चाहिए, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा।